नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में भारत की सरकारें या चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो एग्ज़ाम करवाती हैं उसमें जो पेपर लीक होता है वो बहुत ही बड़ा एक आज के समय पे नासूर सा बन गया है देश के लिए। देश के युवाओं का करियर बिल्कुल खतरे में आ चुका है, ऐसा समझ लीजिए। आपको अगर बीते कुछ सालों की बात बताएं तो ऐसे मल्टीपल केसेस आ चुके हैं जब भारत में पेपर लीक हो चुका है या पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उसका जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि ये एग्ज़ाम पहले से पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से ये रिजल्ट सारे कैंसिल करे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कई केसेस हैं। इसका आखिर क्या कारण है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, इससे इसको कैसे रोका जा सकता है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के जीवन में, तो आइए दोस्तों समझते हैं पूरी चीज़ों को डिटेल में। तो दोस्तों, जैसे कि अभी यूपी पुलिस में एक भर्ती निकली थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को हुआ था। इस ये पोस्ट करीब 60,244 पोस्टें थी, जिसमें करीब 48 लाख कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। और जैसे ये एग्ज़ाम हो गया उसके कुछ ही घंटों बाद पता लग गया कि ये पेपर लीक हो गया, तो इसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स ने अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया और दोबारा एग्ज़ाम करवाने की मांग करने लगे। साथ ही साथ इसमें कुछ पोलिटिकल पार्टी अपोजिशन में जो हैं उन्होंने भी डिमांड करनी शुरू कर दी कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, और उन्होंने सरकार के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि करप्शन का। और इसके कुछ ही देर के बाद योगी सरकार ने एक SIT को गठित कर दिया और एक ट्वीट के माध्यम से एक ये जानकारी दी कि एग्ज़ाम को हम 6 महीने के भीतर फिर से करवा लेंगे। ये दोस्तों यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की स्टोरी थी। ऐसे ही दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस जो देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 15 स्टेट के 41 पेपर लीक हो चुके हैं। 41 बहुत बड़ा नंबर होता है। इसमें करीब 1.4 करोड़ जॉब्स का नुकसान हुआ है, लोग जो पा सकते थे जॉब। ये सोचिए दोस्तों कितना बड़ा नंबर है इसमें। अच्छा दोस्तों, क्या है कि भारत में ना अब ह्यूमन की कमी है, ना ही ह्यूमन बीइंग, ना ही नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की। हमारे पास दोनों ही तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों। तो फिर आखिर ये दिक्कत आती कहाँ से है? आइए दोस्तों समझते हैं कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। ये इससे कोई भी राज्य बचा हुआ नहीं है। आइए मैप में समझते हैं। इसमें दरअसल आप ये समझिए कि मैप में जो ये रेड कलर से दिख रहा है, इसमें ये कैंसल्ड एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, और ये जो डार्क ब्लू कलर है इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है, और ये जो तीसरा है लाइट ब्लू कलर का, इसमें ये बताया जा रहा है कि कितने कैंडिडेट इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं तो कैंसिल होने की वजह से। अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो पिछले 5 सालों में 7 एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, जिसमें 40,590 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहे थे और करीब 48,41,000 कैंडिडेट का इसमें इम्पैक्ट हुआ है करियर। इसके बाद बिहार की अगर बात करें तो 3 एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें 24,380 पोस्ट थी और करीब 25 लाख कैंडिडेट का करियर इम्पैक्ट हुआ है। इससे ये सब जब पेपर लीक होता है, एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का काफ़ी डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, उनका सरकार और सिस्टम से डिस्ट्रेस हो जाता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसे ही एक केस और आपको बताएं, राजस्थान में साल 2021 में 46,000 पोस्ट निकली थी रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें टीचर्स की भर्ती होनी थी। दोस्तों जब ये एग्ज़ाम हुआ तो फिर इसमें एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो गया उसके बाद ये पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। तो दोस्तों एक ये केस था, और आपको इससे बड़ी और आपको बात बताएं, ये सेम एग्ज़ाम फिर ईयर 2022 में दोबारा कराया गया, उसमें भी जैसे ही ये पेपर हुआ और उसका पेपर जो लीक हुआ था वो सोशल मीडिया में आ गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दोबारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है, वो भी तक सेफ नहीं है, वो पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसे ही राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली वंदना है, जो रेट की एग्ज़ाम की तैयारी जयपुर में रहकर कर रही थी, इन्होंने जब दोबारा ये एग्ज़ाम फिर से पेपर लीक हो गया तो उन्होंने वापस घर जाने का फैसला किया, और उन्होंने कहा कि हमें मल्टीपल टाइम इसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और इतना ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी समस्या है। सोचिए वो उनका करियर वहीं से स्टॉप हो गया और वो वापस चली आई अपने घर में। तो ऐसे जो लोग जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना करियर को जब छोड़ देते हैं, फिर वो जब प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं, और फिर वो जब देखते हैं कि प्राइवेट जॉब में वो लोग अच्छे से पैसे कमा रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं,
तो उनके मन में लगता है क्या वो जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं, ये उनके मन में ख्याल आने लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब एक बार स्टूडेंट घर से निकलता है और कहीं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने पहुंचता है तो ये मान लीजिए कि उसके साथ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, क्योंकि जब घर वाले पैसे भेजते हैं एक्सपेंस करने के लिए तो ये समझ लीजिए 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है एक स्टूडेंट का रहकर बाहर पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको और बताएं, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये तो एक जैसे पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। ये एक बार एग्ज़ाम होता है तो दोबारा इसका जब एग्ज़ाम होने को आता है सेम एग्ज़ाम, तो उसमें करीब 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जब एक बार कोई प्रिपरेशन कर रहा होता है, एक एग्ज़ाम अगर लीक हो जाता है तो दोबारा फिर उसी एग्ज़ाम को देने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब इतने में तो उसकी एज भी निकलती है और इतना ज़्यादा उसका समय खराब हो जाता है। दोस्तों इसमें अब क्या बताया जाए और इसमें आखिर सरकार क्या कर रही है, ये बस एक पॉलिटिकल मुद्दा ऐसा बनता चला जा रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो उसने गहलोत सरकार के ऊपर बहुत से आरोप लगाए थे। ऐसे ही तेलंगाना में देखा गया है कि वहाँ जब चुनाव होने थे तो वहाँ कांग्रेस अपोजिशन में थी, उसने बीआरएस जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी उसके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगाए और इसका उन्हें फ़ायदा भी मिला चुनाव के समय। इन दोनों ही जगहों पर सत्ता अपोजिशन के पास फिर पहुँच गई और जो रूलिंग पार्टी थी वो सत्ता से हट गई। अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के, 2011 से लेकर 2022 तक 26 पेपर लीक के मामले आ चुके हैं, जिसमें दोनों ही सरकारें रही हैं। 2008 से लेकर 13 तक गहलोत सरकार थी और 13 से 18 तक राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। इसके बाद फिर 18 से 22 यानी कि 2018 से लेकर 22 तक फिर गहलोत सरकार थी। तो ऐसा नहीं है किसी एक सरकार की ये बात है, इसमें सभी लोग एक ही से है। तो क्या समझ में आता है, क्या इसमें सभी लोगों की मिली भगत है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो राज्य के ब्यूरोक्रेट्स हों और या कोई दूसरे मेंबर हों, तो क्या इसमें मिले जुले हैं? दोस्तों आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों बिना मिली भगत के कैसे कोई चीज़ पॉसिबल है? हालांकि इसमें कई अरेस्टिंग भी हुई हैं अलग अलग स्टेट्स में। अगर हम बात करें गुजरात की या राजस्थान की तो लोग इसमें अरेस्ट भी करे गए हैं और मेनी स्टेट्स में। इसमें इसके लिए गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें आपको बता दें कि एग्ज़ाम माफिया इसमें इन्वॉल्व है, कई स्टेट्स में इन्वॉल्व है। एक एसओजी ग्रुप है, स्पेशल और ऑपरेशन ग्रुप, तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक हेड हैं, वो बताते हैं कि ये जो माफिया है एग्ज़ाम माफिया 3 से 4 लेयर में काम करते हैं। पहला लेयर का काम होता है कि प्रिंटिंग प्रेस से जहाँ पे पेपर की छपाई होती है वहाँ पर किसी तरह से मिली भगत किया जाए, वहाँ के एम्प्लाइयों को पैसे दे करके या किसी और तरीके से, और उस पेपर को किसी तरह से कलेक्ट करा जाए। दूसरा जो इसमें एग्ज़ाम माफिया का ग्रुप है, वो जो सेकेंड लेयर है उसका काम होता है कि पेपर को कलेक्ट कर लो और उस पेपर के कलेक्ट करने के बाद उसके करेक्ट आंसर ढूंढो। अब करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए वो पढ़े लिखे लोगों का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन का सहारा लेते हैं और फिर उसके बाद उस चीज़ों को वो बेचते हैं। इससे दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम अछूता नहीं है, सभी एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाता है, चाहे वो लोअर डिविजनल क्लर्क का हो या कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ऐसे ही राजस्थान के एक और केस याद आता है, राजस्थान में नरेश एक हैं, वो राजस्थान की SI एग्ज़ाम में टॉपर हुए थे। राजस्थान में SOG ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। वो एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत भी थे राजस्थान सरकार में। उसके बाद उन्होंने वहाँ के एग्ज़ाम माफियाओं के साथ मिल करके अपने ही सेंटर में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया था और वो एग्ज़ाम में टॉपर आ गए थे। इसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों ये एक जैसी एक ये भी चीज़ है कि वहाँ पर इस तरह से लोग अब ईज़िली पहुँच जाते हैं सर एग्ज़ाम माफियाओं के पास। तो आखिर अब समझ में ये आता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, सरकार को क्या और करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार काफ़ी कुछ एक्शन भी ले रही है, जैसे कि लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, एंटी चीटिंग बिल। इसके अंदर आपको बता दें 3 से 5 साल के लिए जेल है, 3 साल तो मिनिमम जेल है और इसमें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना है, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जुर्माना कंप्लीट होता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने कानून बना रखे हैं और वो कानून काम भी कर रहे हैं दोस्तों। तो एक समस्या तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने एक्शन अपने हिसाब से तो ले ही रही है। अच्छा दोस्तों क्या है कि हम अनलीक एग्ज़ाम क्या करवा नहीं सकते हैं या हम करवा नहीं पाए हैं? दोस्तों हम अनलीक एग्ज़ाम भी करवाते हैं, जैसे कि बैंक में अगर देखें तो IBPS एग्ज़ाम और बैंक के एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होते हैं, उसमें पेपर लीक के बारे में नहीं सुनाई देता है ऐसे।
अच्छा दोस्तों, समस्या क्या है? समस्या अगर हम देखें तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में ही आती है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में एक दिन पहले एग्जामिनेशन पेपर को पहुंचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और उसी के बीच में ये पेपर लीक वाली घटनाएं घट जाती हैं। तो दोस्तों, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन मोड की तरफ से हट करके ऑनलाइन मोड की तरफ चले जाएँ? जैसे कि हम देखते हैं IBPS और बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो अपनी हेल्प देते हैं। जैसे कि TCS एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, IT कंपनी है, ये हेल्प करती है IBPS और बैंक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे ही क्या हम दूसरे और एग्ज़ामों में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें? ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट जब होता है तो इसमें किसी भी तरह के मतलब चीटिंग की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि किसी भी तरह से पेपर एक दूसरे को नहीं मिलता है। इसमें कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है कि कौन सा सेट किस स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो सबके पेपर सेट अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी तरह से उसको लीक करा पाना। तो इससे ये होगा कि जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो इससे इस पूरे सिस्टम से आउट हो जाएंगे और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो मेरी एक समझ थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। अब आपको ऐसा क्या लगा और आप इसमें क्या और चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ और ख़ास है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ और अपडेट लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।